नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आईपीएल का ये 12वां सीजन बेहद ही रोमांचक रहा, जिसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। चाहे वो नए नए खिलाड़ियों का नए नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करना हो, या फिर अंपायर और खिलाड़ियों के बीच की झड़प ही क्यों ना हो, क्योंकि इस सीजन में ऐसे कई मौके आए जब खिलाड़ी और अंपायर के बीच की तकरार देखने को मिली। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच खेले गए मुकाबले में एम्पायर नीजल लॉन्ग ने आरसीबी के तेज गेंदबाज उमेश यादव की एक गेंद को नो बॉल करार दे दिया, जिससे बॉलर और उनके कप्तान नाराज हो गए और एम्पायर के फैसले का विरोध भी किया। मैदान में लगी स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद उमेश यादव और विराट कोहली का अंपायर के फैसले पर गुस्सा भड़क गया, और जब टीवी रिप्ले में फुटेज सामने आया तो अंपायर नीजल लॉन्ग की गलती साफ हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि उमेश यादव का बॉलिंग करते टाइम पैर लाइन के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही पड़ा था, और नियमों के मुताबिक भी ये बॉल किसी भी तरह से नो बॉल नहीं थी। हालांकि अंपायर ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। रिपोर्ट्स की माने तो मामला साफ होने के बाद अंपायर लॉन्ग ही गुस्से से तमतमा गए और अपने साथी अंपायर के साथ पवेलियन में आकर गुस्से से रूम के दरवाजे पर कुछ इस तरह से लात मारी कि दरवाजे को नुकसान पहुंचा। हालांकि दरवाजे को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अंपायर लॉन्ग ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन से बात की और 5,000 रुपए भी दिए। फिलहाल पूरे मामले की जिम्मेदारी कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच रेफरी नारायण कुट्टी को दी है, जो इस मामले में आगे की कार्रवाई को संभालेंगे।